गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। आप लोगों के कृपा से हमने एक छोटा सा स्कूल अपना ओपनिंग किया हूँ। उस स्कूल का भी नाम मैंने यही रखा है, रैंक वाला विद्यापीठ, है ना। ये सब आप लोगों का सपोर्ट है और मैं स्कूल खोला हूँ यार न्यू, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं टाइम निकाल लिया हूँ आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, एक इजी वे पाथ को फॉलो करूँ, आपको आसानी तरीके से फिजिक्स समझा सकूँ, मैथ समझा सकूँ, कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, यही हमारा चाह है। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, एक टॉपिक है। मैं कल पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा था उस टॉपिक समझने में। एक टॉपिक क्या है वो अपन पहले समझे, उस टॉपिक को मैं लिखता हूँ। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ अ पावर प्लेट, पावर प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेज इन अ मीडियम। टॉपिक नेम अपना है, टॉपिक एक कहना चाह रहा है, एक कैपेसिटर है। मैं कैपेसिटर बोल लेता हूँ बट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। कैपेसिटर है, उनके दोनों जो पावर प्लेट है उनके बीच में क्या रखा गया है, एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उस मटेरियल का, उस मटेरियल को उस पावर प्लेट के बीच में रखा गया है। वो एक मीडियम का काम करेगा, वो जो सब्सटेंस है वो एक मीडियम का काम करेगा। हो सकता है वुड हो सकता है वाटर हो सकता है वैक्स हो, एनीथिंग हो सकता है। अब देखो, अगर कोई पूछे डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो डाइइलेक्ट्रिक का काम है अपोज करना। किसको अपोज करेगा? फ्लो ऑफ करेंट को, फ्लो ऑफ हीट को। डाइइलेक्ट्रिक का काम यही है, वो अपोज करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ हीट, यही है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अब बात हमारा क्या है ये समझे। सबसे पहले अगर हमारा कैपेसिटेंस एयर में होता, ये जो कैपेसिटर है दो पावर प्लेट दे रखा है मेरे भाई, और इनके बीच में क्या है, एयर है। मीडियम कौन सा है? एयर है। और एयर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होने का? वन होने का। अगर इसको एयर में रखा गया होता तब क्या होता? अब देखो, ये पावर प्लेट है और पावर प्लेट का एरिया दे रखा है ए, दोनों प्लेट का एरिया क्या है? सेम है। और इन दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो, अपन पढ़े थे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सोर्स का काम करता है। इट मींस पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कहां जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या है? ए वाला है।
तो अगर हमसे पूछा जाए इस दो पाउडर प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस होगा ए ऑफ सैरन नॉट अपॉन डी ए होगा। अगर हमसे पूछा जाए इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी इक्वल टू ई इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पाउडर प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पाउडर प्लेट इज डी, तो भी इक्वल टू ई इंटू डी। एक कब यूज करेंगे, जब हमारा पाउडर प्लेट कहां होगा, एयर में होगा, कहां होगा, एयर में होगा। अगर हम मीडियम चेंज कर दे तब क्या होगा, ये बात समझना जरूरी है। हमने क्या किया, एक स्लैब इसके अंदर डाल दिया, स्लैब और इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या दे रखा है, के दे रखा है। इनका विड्थ कितना है यहां से यहां तक का, एसमोर टी है, कुछ भी हो सकता है, और यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैप ए डी है। इनका सरफेस एरिया ए दे रखा है दोनों प्लेट का। ए क्या है अपना स्लैब है, के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो हमसे पूछा गया अगर इन दोनों पाउडर प्लेट के बीच में स्लैब को रख दिया जाए तब कैपेसिटेंस क्या होगा, ये पूछा गया। तो मान लो इनका कैपेसिटेंस सी है, तो इनका मान लो कैपेसिटेंस सी वन है, तो अगर पूछा जाए कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, इनके ए जो सी दिख रहा है इनको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के से हो गया इतना कैपेसिटेंस होगा। अगर दो पाउडर प्लेट के बीच में अगर हम कोई मीडियम रख दे तो क्या होगा, उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मान लो के दे रखा है तो के टाइम्स हो जाएगा किसके, इस कैपेसिटेंस का जिसको हम कहां रखे थे, एयर में रखे थे जहां अपोज करने वाला कोई नहीं था, यहां अपोज करने वाला है, ये स्लैब है, तो इसका जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर उनको इनके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं क्या मिल जाएगा, नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इनका अगर कैपेसिटेंस पूछा जाए तो क्या होगा, के इंटू सी हो जाएगा, सी दिस इज द कैपेसिटेंस विथआउट डायलेक्ट्रिक स्लैब, के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सी वन इज कैपेसिटेंस विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर अपन C1 निकालना था अपन क्या निकालेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, A हो गया कैपेसिटेंस। अब बात आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखो जब इनके कारण यहां क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई होगा, और इनका डायरेक्शन मालूम चल गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा,
सेकंड, ये जो डायलेक्टिक कांस्टेंट है ये किसका काम करेगा? अपोज करने का। ये अपोज करेगा, रोकेगा। तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा? इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उनका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। और उसका नाम हम लिख देते हैं E1। क्या लिख देते हैं? E1। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड A होगा और इनका डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब देखो हमसे पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बी इक्वल टू क्या था? E इंटू डी था ना मेरे भाई। अब देखो E तो है, चिपका दिया जाए। D है, बट क्या हो गया? इतना कोई अलग भाई आके रह गया ना। हमारे पास मान लो 10 रुपया, कोई दूसरा कोई आके 2 रुपया ले लिया। पहले कितना था? डी था। कोई दूसरा भाई कितना ले लिया? स्मॉल टी ले लिया। तो कितना बचा? तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक किसके कारण क्रिएट हुआ? इनके कारण क्रिएट हुआ जो ये एयर दे रखे हैं। अब ए भी तो भाई दिख रहे हैं, इनके कारण कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो ई, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 है, इनटू डिस्टेंस कितना है? टी है। डिस्टेंस कितना है? टी है। अब देखो अपन क्या करेंगे, तो भी इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी प्लस E1 इंटू टी है। E1 के जगह पे आपन क्या चिपकाएंगे? ए, बात समझना जरूरी है। अब देखो क्या है, E1 जब ए था उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब आ गया उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपन क्या करेंगे, इनके जगह पे ई अपॉन के चिपका देंगे। ई अपॉन क्या चिपका देंगे? के। अगर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता E1 का, तो E1 इक्वल टू हो जाता ई अपॉन के। क्या हो जाता? ई अपॉन के। ई कब का इलेक्ट्रिक फील्ड है? जब मीडियम अपना एयर था। अब देखो ई सेम दिख रहा है, तो इनको बाहर निकाल लो। तो B इक्वल टू क्या हो गया? E, यहाँ क्या बच गया? D माइनस टी प्लस यहाँ क्या बच गया? T अपॉन के। A आ गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब हम पार्लर प्लेट को कहाँ रखे हैं? डायइलेक्ट्रिक स्लैब उनके बीच में रखे हैं। जब पार्लर प्लेट के बीच में डायइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं उस टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। अब क्या होगा? दूसरा क्या है, हमसे पूछा गया है कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कैपेसिटेंस तो बताना पड़ेगा। तो इनको अब चिपका लो, इनको इरेज करता हूं। अब देखो क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू भी। हमें तो C चाहिए ना। मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 है। हमें C1 चाहिए। C1 क्या हो जाएगा? Q अपॉन भी हो जाएगा। भी तो अपने को दे रखा है। भी कितना दे रखा है? भी दे रखा है E इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और अपने को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का? चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। तो अपन क्या करेंगे, ई के जगह पे इनको चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो क्यू से क्यू कट गया, ए डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए आ गया अपना आंसर। तो अगर किसी भी डायलैक्ट्रिक मीडियम को अपन पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, है ना, जो कैपेसिटेंस है, अगर उनके प्लेट के बीच में कोई भी डायलैक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं या हमने स्लैब डाला था, तो उनके कारण हमारा क्या क्या चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ए हो गया ना, बन गया। अब देखो ए तो अपना एक तो डेरिवेशन टाइप का था, डेरिवेशन है, कैसे यूज करते हैं, अगर पेपर में डेरिवेशन हमें नहीं करना है, क्वेश्चन करना है, तो कैसे एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे, ए बात समझना जरूरी है। तो पहले आप इनको चिपका लो, पहले आप चिपका लो, उसके बाद मैं बताता हूँ एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। अब मैं यहाँ चिपका देता हूँ, उस जुगाड़ को बता देता हूँ जो हमने लास्ट में फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ C1 लिख देंगे। अब देखो अपने को मालूम है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, ये कब होगा, जब मीडियम अपना एयर होगा, तब अपन स्लैब इसके बीच में रख देंगे। तो देखो इसका विड्थ कितना है, टी है, टी यहाँ माइनस कर दो, डी माइनस टी इज द डिस्टेंस दिस और दिस, ए डिस्टेंस वहाँ का है जहाँ क्या है एयर है, जहाँ स्लैब नहीं है। अब देखो इस स्लैब का जो विड्थ है उसको अपन क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, डी में से माइनस कर देंगे, फिर प्लस इनको के से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। देखो दोनों सेम आ गए। तो अगर क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल आया है, एमसीक्यू है, बोर्ड का पेपर नहीं है, तो अपन ए यूज करेंगे कंसेप्ट जुगाड़, और सेकंडों में आंसर लेके अपन आएंगे। तो आप चिपका लें, है ना, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कोई भी टॉपिक हमें शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमसे पूछ सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, तभी तो मज़ा आएगा। थैंक यू।